आज 5 सितंबर 2024 है और पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में टीचर्स डे मनाते हैं। और मेरा अनुभव रहा है कि टीचर्स डे हम लोग कितने जोश खरोश के साथ मनाते थे, टीचर्स को विश करते थे। उन दिनों मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन कम से कम कुछ मिठाइयाँ मिल जाती थी तो खुशी होती थी और छुट्टी हो जाती थी। एक शिक्षक जो कि स्कूल या कॉलेजों में, वहाँ जितने भी विद्यार्थी रहते हैं या वहाँ जितने भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जितने लोग आते हैं, सबों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। और क्लासरूम में एक शिक्षक उन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या उन बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि भविष्य के राष्ट्र निर्माता बनेंगे। एज वी आर सेलिब्रेटिंग, जैसे हम लोग आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, मैं सभी गुरुजनों का, हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स हैं और साथ ही साथ नॉन टीचिंग स्टाफ में, यहाँ पर तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, हमारे लैब में हमारे लैब असिस्टेंट हैं, जितने भी लोग शिक्षा या छात्र छात्राओं के विकास के लिए या उनकी शिक्षा के लिए हाथ बटाते हैं, निश्चल और निष्कपट और उदारता के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं, सबों के मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और चलिए हम लोग सब पहले राधा कृष्णन को याद करें, वह किस तरह से स्वच्छ निर्मल और निस्वार्थ भाव से वे देश की सेवा किए हैं। और उन्होंने हमें एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चल सकें। और हम जो यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं किसी भी रूप में, हम सभी को बहुत प्रेम से, बहुत लगन और उदारता के साथ हमारे बच्चों को, हमारे बेटे बेटियों को शिक्षा दे सके, मेरी यही शुभकामना है। तो आइए हम अपने नए नवेले फ्रेशर्स से पूछते हैं कि उनका कॉलेज का एक्सपेक्टेशंस, हमारे डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस, और जो इन्होंने सब्जेक्ट लिया है उनसे मतलब इनका क्या उम्मीद है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? वैसे तो मेरा उम्मीद था कि हाँ, जेवियर कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा करना ही है। अब कुछ दिन 10 दिन यहाँ पढ़ के लग रहा है कि हाँ, अब मैं कर लूँगी जो मैंने सोचा है वो मैं करूँगी। टीचर्स बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं, समझा दिया टीचर्स ने कि क्या करना है, हमें कैसे करना है, तो अब उन्हीं के बोले पे हमें बस चलना है। तो अभी तक आप सभी प्रोफेसर से तो मिली ली होंगी, तो आप बताइए कि उनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन लगे? बेस्ट सारे ही प्रोफेसर्स हैं। कुछ टीचर्स का क्लास अभी रेगुलर हुआ है, पर कुछ का अभी एक दो ही क्लास हमने किया है, तो इसलिए। आप कुछ बोलना चाहेंगी टीचर्स के बारे में? हाँ, टीचर्स अच्छे हैं। जैसे मैंने अभी इंटरमीडिएट से आया वापस, तो फिर मुझे लगा था कि ग्रेजुएशन साइड जाऊंगी तो टीचर्स सपोर्टिव नहीं होंगे, जल्दी जल्दी लिखवाएंगे तो ज़्यादा छूटेंगे नोट्स, ज़्यादा नहीं छूटेंगे, बट यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। जैसे सारे नोट्स कम्प्लीट करवाते हैं और बहुत सपोर्टिव है। मुझे आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगा था टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे ऐसा, लेकिन बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों से मिलकर। चलिए, तो सभी को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, धन्यवाद। हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। माय नेम इज राजीव रंजन, आई एम फ्रॉम लातेहार, आई एम हियर टू स्टडी BJMC। मेरा पहला जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी डरावना था, क्योंकि मेरा भाई पहले यहाँ रह चुका है, तो उसने कुछ चीज़ें बताई हुई थी कि काफ़ी मतलब अटेंडेंस के लिए दिक्कत होता है, फिर कभी कभी ID भी ले लेते हैं, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। पर जब मैं यहाँ आया, फिर नील मैम, फिर कीरो सर, फिर उसके बाद झा सर एंड ACC की मैम मिली, जो काफ़ी पोलाइट थी, जो हमें काफ़ी हम्बल तरीके से बताए, उसके बाद मैं अभी काफ़ी फ्रेंडली हूँ उनके साथ, मैं क्लास में कम्फर्टेबल हूँ, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो भी बताने में काफ़ी अच्छे हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशन तो जैसा था उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है अभी तक। आपकी फेवरेट टीचर कौन से? आपको क्या लगता है कि फेवरेट टीचर हैं ACC की मैम? मैं नाम नहीं पता अभी तक, क्योंकि याद नहीं मुझे। श्रेया मैम काफ़ी अच्छी है, वो अच्छी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी, अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आती है मुझे इसलिए। एंड व्हाट अबाउट यू? मायसेल्फ अनित राज, आई एम फ्रॉम BJMC कोर्स। एंड जब मैं बहुत पहली बार आया था तो मुझे बहुत डर लगा था कि क्या हो गया, शायद प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे,
फिर मुझे धीरे धीरे जब मैंने क्लासेस किया फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, टीचर्स आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो कहते हैं कि आप मेरे होम ट्यूटर भी आ सकते हो और आके कर सकते हो। बट पहले मुझे लगा कि शायद टीचर्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैम लोग बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा से मतलब टीचिंग लेवल बहुत अच्छा है उन लोगों का, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉलेज। अच्छा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस टीचर से डर लगता है, मतलब किस टीचर को देख के लगता है हाँ अगर नहीं कुछ किया, असाइनमेंट नहीं किया या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो डांट पिटेगी? ऐसा डर सिर्फ मुझे HOD सर से लगता है थोड़ा, मतलब वो HOD हैं इसलिए थोड़ा उन पे ज़्यादा ये होता है, डर लगता है और कुछ नहीं, किसी से डर नहीं लगता, काफ़ी अच्छे हैं सारे। सेम जी। तो ये है ना उधर के ना इधर के, यानी कि बीच वाले बैच के, आइए इनसे पूछते हैं हमारे टीचर्स के बारे में। तो चलिए, आप एक साल बिता दिए हैं, सारे टीचर्स को आप अच्छे से जान गए होंगे, तो ये बताइए सबसे पहले, लगभग ठीक है, सबसे पहले ये बताइए आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर नील मैम है। नील मैम, ऐसा क्या है? नील मैम हमको बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लगती है, मतलब अपना काम से काम रखना है और फिर जो वर्क है वो करो, उनको जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगी, ना इधर का मैटर ना उधर का मैटर, मतलब उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है, जो भी रहता है वो अपना करवाती हैं और सारा चीज सिस्टमैटिक वे से करवाती हैं। मतलब प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन रखती है। बिल्कुल, एकदम प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करती हैं और प्लस उनका लैंग्वेज बिहेवियर कंपैरेटिवली उनका बेस्ट है क्लास में। वायन झा सर के बारे में? वायन झा सर एकदम कूल, चिल। कभी गुस्सा किए हैं क्लास में? हाँ कभी कभार। आप पर? नहीं, मेरे पे नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, किए एक दिन बोले थे तुमको फोन चलाना है तो क्लास से बाहर जाओ। बाहर गए थे आप? नहीं। अच्छा अच्छा, वो गुस्सा होते हैं तो डर लगता है उनसे? हाँ थोड़ा लगता है, क्योंकि मतलब वो इतने चिल है ना कि जब वो गुस्सा होते हैं तो वो एकदम सीरियस वाला गुस्सा जो होता है ना, एकदम वो वाला हो जाता है, पूरा क्लास शांत हो जाता है। वही बात है कि अगर काम नदी में, शांत नदी में अगर उफान आ जाए तो डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल यही बात है, उनसे बच के रहना है, सबको यही संदेश दे रहे हैं अपने जूनियर्स को। एक बात बताऊं, हमारे टीचर्स आपको देख रहे हैं अभी इस वक्त। कैसे? बस देख रहे हैं। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। और हमारे जूनियर्स को क्या सलाह देंगे, कौन से टीचर से बच के रहना है, कौन से टीचर से आप अच्छे से रह सकते हैं? कोई टीचर से बच के नहीं रहना है, तुम अपना मेंटेन करके रखोगे, अपने आप को डिसिप्लिन रहोगे और मतलब एक डिग्निटी होता है ना वो मेंटेन करके रखोगे तो हर चीज़ बेस्ट है। कोई तुमको यहाँ टारगेट नहीं करने वाला जब तक तुम बाउंड्रीज क्रॉस ना करो। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ दी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन। श्रुति केशरी, समीक्षा सिंह, जेनिफर जैस्मिन, अस्मिन। सो हाउ आर यू ऑल फीलिंग राइट नाउ फोर्थ सेमेस्टर में आके? आपको क्या लगता है कि किस टीचर ने सबसे ज्यादा आपकी हेल्प की है इस सेमेस्टर तक पहुंचने के लिए? किससे सबसे ज्यादा आपको मिलके लगता है कि हाँ मैं अपना पर्सनल लाइफ इस टीचर से शेयर कर सकती हूँ या मैं अपने करियर रिलेटेड क्वेश्चन इस टीचर से पूछ सकती हूँ? ये एक्चुअली मैंने करियर रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी वायन झा सर से किया है एक बार, तो वायन झा सर मेरे पर्सनल फेवरेट, तो ऑफ कोर्स वायन झा सर है। ऐसे तो सभी है, सारे टीचर्स अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। देयर इज नथिंग एज पर्सनल फेवरेट, मतलब अच्छे तो सभी है, सभी मोटिवेट करते हैं, अगर यहाँ आए हैं उनके गाइडेंस में कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, और वो भी ऐसा नहीं है डीमोटिवेट कर रहे हैं, दे नो व्हाट वी कैन डू, सो दे आर प्रमोटिंग एंड मोटिवेटिंग अस। तो हेलो गाइस, तो हमारे साथ है अमरजीत, द अमरजीत, द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ आवर ऑल टीचर्स, ठीक है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि इनका फेवरेट टीचर कौन है। तो हमारे डिपार्टमेंट में आपका फेवरेट टीचर कौन है? नील मैम है, नील कुसुम मैम है और संवेक सर है। ऐसा क्या है जो आपको मतलब उनको फेवरेट बनाता है आपके नज़र में? क्योंकि वो दोनों पोलाइटेड है, काम है, नील मैम भी बहुत मानती है मेरे को और मतलब मेरे को बहुत समय से सपोर्ट करती है, जहाँ गलती रहता है वहाँ समझाती भी हैं। संवेक सर तो बड़ी चिल है भाई, मतलब बहुत मानते हैं हमको, मतलब सपोर्ट करते हैं, बहुत मानते हैं। तो बहुत दिन से मैं क्लास नहीं कर रहा था तो मतलब उन्होंने मेरी चीज़ सीख दी कि भाई क्लास करो, क्या कि भाई यही अभी तुम्हारा यहाँ से अगर क्लास नहीं करोगे तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। और नील मैम तुम्हारे बेस्ट है भाई, मैम नील मैम के आगे कोई नहीं है अभी भाई। और वायन झा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वायन झा सर के लिए, इज ए वेरी स्वीट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है और मतलब वो भी बहुत मानते हैं मेरे को, बट फेवरेट तो नील मैम है भाई। रोटीन मैम है। एक बात बताऊं, सारे टीचर्स आपको देख रहे हैं अभी,
अच्छी बात है ना। तो हमारे एचओटी सर के लिए, लवेबल एचओटी सर, क्या कहेंगे? संतोष सर इज ऑल्सो ए वेरी गुड पर्सन एंड मतलब वो तो भाई एचओडी एचओडी होते हैं भाई, मतलब वो भी बहुत जेंटलमैन है, इंटेलिजेंट है, मतलब जिस तरह से वो बात करते हैं भाई, मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं और समझाते भी बहुत अच्छा, उनका पढ़ाई समझ भी आती है, बट मैं थोड़ा कोड़िया हूँ कि मैं क्लास करता नहीं हूँ। सो सुमित भैया, यू आर पास आउट ऑफ द कॉलेज, ओके? तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ही इज आर सुपर सीनियर। आप मुझे बताओ आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, बेस्ट मेमोरी क्या है आपके टीचर्स के साथ? टीचर्स के साथ सबसे बेस्ट मेमोरी झा सर का स्टोरी टेलिंग, वो हमको लगता है तुम लोग को आने वाले जिंदगी जब पास आउट हो जाओगे तो हमेशा याद रहेगा। एक ऐसा पर्सनैलिटी है झा सर कि ही इज लाइक, वो एक टीचर नहीं फील करेंगे, ही फील लाइक अ पेरेंट टू यू। बहुत 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 सही लगेगा उनका स्टोरी टेलिंग, उनका सिंपलिसिटी, मतलब सिंपली कैसे समझाते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को। और हर टीचर का अपना अपना है, संवेक सर का कहते कॉमेडी के अंदाज, वो तो सबको पता ही है। कीरो सर का वो नॉलेज, इंटेंस नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। फिर से आलोक सर आने वाले लास्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, हम बता रहे इंटर्नशिप के लिए तुम लोग को आलोक सर ही मिलेंगे, ठीक है? और नील मैम तो इंचार्ज ही टाइप ही, हर समय तो नील मैम ही रहेगी। तो बस झा सर मेरे फेवरेट थे हमेशा और अभी भी मैं उनसे काफ़ी कॉन्टैक्ट में हूँ। फिर यहाँ लास्ट में झा सर ने सबको, पूरे क्लास को पार्टी दी थी हमारे जाने के बाद, तो वो और वो सबको मिलता है, वो कहते हैं कि हम लास्ट बैच को सबको देते, वो काफ़ी सही रहेगा। फेयरवेल मिलेगा टीचर से, उनका पर्सनल फेयरवेल होता है वो, हाँ तो वो काफ़ी सही रहेगा। मच वेटेड फॉर दैट फेयरवेल झा सर। श्रुति, क्या आपका मेकअप हो गया है? कुछ नहीं, किसी ने देखा नहीं, बस श्रुति प्लीज। Anyway, Shruti is not interested. She is more interested in her nude shade lipstick. अब हम लोग श्रुति से बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मेकअप और बाकी है, थोड़ा सा और रुकेंगे। You know, लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में, बस थोड़ा सा टाइम। Few hours later. So, what is your best college memory? And उसको शेयर करना है, और हर टीचर के साथ आपकी जो एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनी है वो आप बताओ। ऐसे कोई स्पेशल मेमोरी तो है नहीं, बस इतना है कि हर टीचर्स के क्लास में हम लोग एक ना एक बार बाहर निकले ही हैं। ऑलमोस्ट हर टीचर के क्लास में एक बार तो बाहर निकाली दिया है क्लास में, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल वी विल ट्राई टू नॉट डू इट इन द फ्यूचर। हां, हमेशा एक हमें न्यू चांस मिलता है और फिर भी हम गलती कर देते हैं। हर बार हम गलती कर देते हैं, हर बार हमें माफ कर दिया जाता है। वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। इसके अलावा डू यू प्रॉमिस कि अब आप लोग क्लास में बात नहीं करेंगे? ऐसा तो हम लोग कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं करते, फेक प्रॉमिसेस नहीं करते, ऐसा नहीं है। नो फेक प्रॉमिसेस बाय द न्यू जर्नलिस्ट। Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work.